उसके बाद हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में दिए जाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास लार्ज इंटेस्टिन का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये माउथ है, ये सोफेकिस स्टमक है, ये स्मॉल और ये लार्ज इंटेस्टिन होती हैं, ठीक है, जो एंड में जाके एनस में खुलती हैं। ऐसे लार्ज इंटेस्टिन में आपको जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें बंदे के पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया दोनों में से कोई एक होता है।